सो लेट्स कंटिन्यू। हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर बात कर रहे थे, और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी पूरी एक थियोरी और बेसिक्स, पूरे स्कीम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी हमने इसका बनाया। तो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज जो हमने डेवलप की, उनको जल्दी से अगर हम रिवाइज करें तो कुछ इस तरीके की दो तीन बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि लेट्स से ये दो अलग अलग मोनोक्रोमैटिक और कोहरेंट सोर्सेस हैं, और इसके सामने ये स्क्रीन रखी हुई है लाइक दिस, जिस पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली जो सेंटर में आएगा पॉइंट, जिसके लिए हमारा ये क्लेम रहेगा कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो है, ठीक, इसे हम कहेंगे सेंट्रल बैंड। यहाँ पर पाथ डिफरेंस हम क्लेम करेंगे जीरो है, और कोई भी एक रैंडम पॉइंट पर अगर हम ये डिस्कशन करने वाले हैं या ये डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं कि इस पॉइंट पी पर कोई एक इंटरफेरेंस का नेचर यहाँ पर हमें मिलेगा, लाइक ब्राइट और डार्क, सच दैट के इसके डिस्क्रिप्शंस हम बताते हैं इट इज एट अ सेपरेशन ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंड, और दैट हम ये मानते हैं कि लाइट ऐसे ट्रेवल करते हैं यहाँ पहुंचती है। तो इस सिचुएशन के लिए हमने एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला कल डेवलप किया था, दैट इज पाथ डिफरेंस ऑन एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन सच सिचुएशन इज इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, वेयर लेट मी रिकॉल यू दैट के ये जो सेपरेशन है डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, ये स्मॉल डी है, और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन जो है ये कैपिटल डी है। तो इसे हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जब हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था यंग्स एक्सपेरिमेंट का, तो इट वॉज अ लॉन्ग डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन के इन बिटवीन हमको ये कंडीशन मिली थी। इसके साथ साथ हमने कल एक और फॉर्मूला भी डिराइव किया, दैट इज ऑल अबाउट फ्रिंज विड्थ। आपको याद होगा फ्रिंज विड्थ मींस इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्टेंड होगा उसमें टू कंजिगेटिव ब्राइट या टू कंजिगेटिव डार्क बैंड्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिगेटिव ब्राइट बैंड्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिगेटिव डार्क बैंड्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बनेगा ब्राइट और डार्क का। तो कोई भी दो कंजिगेटिव ब्राइट बैंड चेक कर लें आप, या कोई भी दो कंजिगेटिव डार्क बैंड चेक कर लें, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ, और ये बन जाएगी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लैमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो आई होप ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद होंगी। इसमें ये जो लैमडा टर्म है ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट हमने यहाँ पे यूज की है ये इसकी वेवलेंथ है। ओके, अब इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने पुट अप करूंगा, दैट विल बी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंसेस, रादर आई मे से फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस। अब ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होने वाला है, और इसके लिए मैं आपको कुछ स्किल्स सिखाऊंगा, कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे हम विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो सारी बात आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, जिसमें वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम हमको गिवन है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज जो है ये 1 मिलीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन जो है ये 1 मीटर है। अब इतने सारे आर्टिकल्स हमसे पूछे गए हैं कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ ब्राइट बैंड एंड द सेंट्रल बैंड, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द डार्क बैंड एंड द सेंट्रल बैंड, सेकेंड ब्राइट एंड एट्थ ब्राइट, फर्स्ट डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट डार्क, थर्ड ब्राइट एंड सिक्स्थ डार्क, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो इट सीम्स टू बी अ वेरी लेंथी कैलकुलेशन, बट लेट मी टेल यू कि वी आर गोइंग टू डेवलप अ वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी सिंपल शॉर्ट ट्रिक टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसके लिए बच्चों सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है, हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे। वी नो फॉर्मूला इज लैम्डा,
कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। नाउ इन दिस सिचुएशन लैम्डा इज 4000। नाउ इट इज इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन हो जाता है 10^-10, पता है ना बच्चों आपको, इनटू कैपिटल डी इज 1 एंड स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर, सो दैट गोज 1 × 10^-3। तो इफ यू जस्ट सॉर्ट इट आउट, ये तीनों जीरोज यहां से एडजस्ट हो गए तो ये -7 हो गया, -3 ऊपर आ जाता है, वी मे गेट +3, -7 + 3 विल बिकम 10^-4। सो द आंसर टू दिस इज 10^4 × 10^-4 मीटर। इफ आई डू अ लिटिल एडजस्टमेंट सो दैट विल बिकम 0.4 × 10^-4 मीटर, विच आई कैन नाउ राइट एज 0.4 मिलीमीटर। तो हमें एक बात पता चल रही है बच्चों कि ये जिस तरीके के कंडीशंस के साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, उसमें कोई भी दो कंजिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स और कोई भी दो कंजिक्यूटिव डार्क बैंड्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हो जाता है 0.4 मिलीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमसे ये पूछ रहा है कि जो सेंट्रल बैंड है और फोर्थ ब्राइट बैंड है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक, ऐसे देखा जाए तो हमको इसे एक्स के लेवल पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां से लेके X0 के लिए, फोर्थ बैंड के लिए, फिर वो X फाइंड आउट करो, और ऐसा सब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमको करना है। तो मैं उधर जाता ही नहीं हूं, अक्सर बुक्स में उसी तरीके से बताया जाता है, मैक्सिमम टीचिंग करते वक्त भी इस यही अप्रोच रखा जाता है कि फाइंड आउट दैट एक्स और फिर उस हिसाब से आप डिस्टेंस को क्लेम करो। लेकिन एक बहुत सिंपल सी और छोटी सी और एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इसे मैं कहता हूं पॉइंट मेथड। इस ट्रिक को मैंने नाम दिया है पॉइंट मेथड। अब ये पॉइंट मेथड क्या है, आइए समझते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, रैंडम पॉइंट्स लगा लेंगे, जैसे ये पॉइंट्स मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, ये कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, इवन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन योर आंसर शीट, और दूसरी तरफ भी ऐसे कुछ पॉइंट्स लगा लें, एंड मेक श्योर दैट के ये पॉइंट्स जो हैं ये तकरीबन इक्वी डिस्टेंट हों, इनके डिस्टेंसेस जो हैं वो आइडेंटिकल हों, सेम हों, समथिंग लाइक दैट। तो ये पॉइंट मेथड है। इसमें फिर सेंट्रल बैंड आप आइडेंटिफाई कर लें अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, और ये बोलें कि ये 0 नंबर का ब्राइट बैंड है, 0 नंबर का ब्राइट, 0B, गेटिंग इट। अब बात ऐसी है कि जहां जहां मैंने पॉइंट लगाया है वो ब्राइट बैंड माने गए, और दो पॉइंट्स के बीच में जो गैप्स हैं ये डार्क बैंड माने जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन याद रखें, जहां जहां मैंने पॉइंट लगाए हैं वो क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, और जहां स्पेस खाली है वो क्या बनेगा, डार्क। और हमेशा याद रखें कि ब्राइट बैंड का जो सीक्वेंस काउंटिंग है, जो उसकी गिनती होगी, वो हमेशा 0 से होगी, और डार्क बैंड की जो गिनती होगी, उसकी जो काउंटिंग होगी, वो 1 से होगी। तो जब पैटर्न बन जाता है बच्चों स्क्रीन पर, जब पैटर्न बनेगा, देखो यहां पे, अब जैसे मैंने इस एग्जांपल को कैरी किया तो बीच में सेंट्रल बैंड बनता है, फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 बैंड्स, और इसके नीचे भी 1 2 3 4 5 6 बैंड्स बनेंगे ब्राइट, और फिर उसके बाद अल्टरनेट लेवल पर 1 2 3 4 5 6 डार्क बनेंगे, और इसके नीचे भी अल्टरनेट लेवल पर 1 2 3 4 5 6 डार्क बैंड्स बनेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि सेंट्रल बैंड के दोनों तरफ हमें काउंटिंग करनी है, फॉर ब्राइट एंड एज वेल एज फॉर द डार्क बैंड, गेटिंग इट, यस सुनो। करेक्ट हो गई बात, काउ यस, क्लियर हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गई बात कि हमें सेंट्रल बैंड के ऊपर या सेंट्रल बैंड के नीचे, सेंट्रल बैंड के राइट या लेफ्ट, अगर स्क्रीन ऐसे मान लेते हैं हम, तो सेंट्रल बैंड के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हमको बैंड्स की काउंटिंग करनी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? यस सर ओके, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए कितना आसान है, एक्चुअल में हमको कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बिल्कुल इजी वे में सॉल्यूशन बनेगा, ये सारे क्वेश्चन मैं अगले 5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं अगर तेजी से आपको बता दूं। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं, इसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट बैंड एंड सेंट्रल बैंड क्या है। तो देखिए ये अपना सेंट्रल बैंड है, इस बैंड का नंबर क्या होगा, सोचो, फर्स्ट ब्राइट, वन
इसका नंबर क्या होगा? सेकेंड सेकंड राइट, ब्राइट। इसका नंबर क्या होगा? थर्ड थर्ड ब्राइट। और इसका नंबर क्या होगा? राइट, फोर्थ ब्राइट। तो ये जो बैंड है ये हो गया अपना फोर नंबर का ब्राइट बैंड। अब बच्चों ये डिस्टेंस हमें निकालना है कि फोर्थ ब्राइट और सेंट्रल बैंड में कितना डिस्टेंस है। तो बहुत ध्यान से देखो, ये ब्राइट बैंड है और ये भी ब्राइट बैंड है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या उसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं? तो यस यहां से यहां एक एक्स हो गया, 1x। फिर यहां से यहां कितना हुआ? तो 2x। फिर यहां से यहां कितना हुआ? 3x 3x। और लास्ट जब यहां पहुंचा तो कितना हुआ? तो और इसका सीधा सा मतलब यही माना गया ना कि डिस्टेंस बिटवीन 0 नंबर के ब्राइट से लेके 4 नंबर के ब्राइट बैंड इज नथिंग बट इक्वल टू 4x। क्लियर हुई बेटा बात? यस अब x कितना निकाला हमने? ठीक 0.4 है, x हमने निकाला है 0.4। तो आंसर क्या आया? 1.6 मिलीमीटर। दैट्स इट। कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू आर डन विद द आंसर। बात खत्म हो गई। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ध्यान से सुने, सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन सिक्स्थ डार्क बैंड एंड सेंट्रल बैंड। तो छठा डार्क और सेंट्रल बैंड हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो चलो सेंट्रल बैंड तो आइडेंटिफाई है, ये क्या है बेटा? ये बता सकते हो क्या है? फर्स्ट राइट, ब्राइट है। 0 नंबर के ब्राइट और फर्स्ट नंबर के ब्राइट के बीच में जो आएगा वो क्या होगा? फर्स्ट डार्क। फ्रिंज विड्थ तो बात की बात है, 0 नंबर के ब्राइट और फर्स्ट नंबर के ब्राइट के बीच में कौन बनेगा? फर्स्ट फर्स्ट डार्क। यहां क्या बना? डार्क, सेकेंड डार्क, यहां क्या बना? थर्ड डार्क, यहां क्या बना? फोर्थ फोर्थ डार्क, डार्क। यहां फिफ्थ फिफ्थ डार्क, डार्क। और यहां लास्ट में ये वाला, ये क्या बन गया? सिक्स्थ सिक्स्थ डार्क। मतलब ये जो गैप है, इस गैप में हमें देखने को मिलेगा 6 नंबर का डार्क बैंड डी। अब इससे के लिए हमको डिस्टेंस गिनना है कि 0 नंबर का ब्राइट बैंड और 6 नंबर का डार्क बैंड कितनी दूर है। तो बड़ी आसानी से हम ये डिस्टेंस गिनेंगे बेटा। ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ? वन एक्स, एक्स फिर क्या हुआ? फिर 2x, क्या हुआ? थ्री 3x, एक्स फिर क्या हुआ? फिर 4x, क्या हुआ? 5। 5x, अब पूरा अगर मैं इसको क्रॉस करके आगे जाता हूं तो 6x होगा यहां से लेके, लेकिन मैं बीच में रुक रहा हूं। 5 के बाद 6x के मैं बीच में ही रुक रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया 5.5x। बात को समझें, 1x 2x 3x 4x 5x, इसको पूरा क्रॉस करके यहां पहुंचूंगा तो 6x होगा, लेकिन मुझे तो 6 डार्क यानी कि बीच में ही रुकना है, तो ये डिस्टेंस हो गया 5.5x। बात समझ आ रही है बच्चों? यस, तो डिस्टेंस बिटवीन 0 नंबर का ब्राइट से लेके 6 नंबर का डार्क हो गया 5.5x। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाइड बाय, 1x का वैल्यू है 0.4, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करा, देख लें। अब 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें, आंसर बताएं आप। 55 इंटू 4 कर दें, बाद में 10^-2 कर दें आप, 2.2। मिलीमीटर करेक्ट है। यस टेक्निक समझ में आ रही है आपको कैसे करना है? एक्चुअल में कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा रहे हम, देखो सिर्फ डिस्टेंस गिनने आना चाहिए। तो आंसर शीट पर ऐसे पॉइंट लगाओ, डिस्टेंस गिनो, आंसर खत्म। अच्छा आओ और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने? डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ब्राइट एंड एट्थ ब्राइट। तो पहले पता करो कि सेकंड ब्राइट कहाँ है। तो ये फर्स्ट ब्राइट है, ये वाला क्या है? ये वाला, सेकंड ये सेकंड ब्राइट है, तो ये 2b। अब फोर्थ ब्राइट आइडेंटिफाई हो चुका है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी फिफ्थ ब्राइट, सिक्स्थ ब्राइट, सेवेंथ ब्राइट एंड दिस इज गोइंग टू बी एट्थ ब्राइट। तो यहां पे कौन आया? 8B, एट ब्राइट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है।
तो बहुत आसान है, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, दैट्स इट। क्लियर हो गई बेटा बात? यस सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अगर हम करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट से लेके 8 नंबर का ब्राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी 6 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। नाउ फ्रिंज विड्थ का वैल्यू है 0.4, दिस विल बिकम 2.4 मिलीमीटर। डन, है ना आसान? ये सुनो, समझ आ रहा है सबको? यस आगे पूछा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड फिफ्थ डार्क। तो पहला डार्क कहाँ है देखो, और फिफ्थ डार्क कहाँ है देखो। दिस इज 0 नंबर का ब्राइट, ठीक है? दिस इज व्हाट, व्हाट इज दिस? फर्स्ट फर्स्ट नंबर का ब्राइट ब्राइट। 0 नंबर के ब्राइट और फर्स्ट नंबर के ब्राइट के बीच में क्या बनेगा? फर्स्ट डार्क फर्स्ट डार्क बनेगा। तो यहां पे आ गया हमारा 1D। ये आएगा सेकेंड डार्क, ये आएगा थर्ड डार्क, ये आएगा फोर्थ डार्क, और यहां बीच में क्या आएगा, यहां इन बिटवीन, तो फिफ्थ ये आ जाएगा फिफ्थ नंबर का डार्क। अब ये जो फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन है, ये आप सिर्फ ब्राइट से ब्राइट न करते हुए डार्क से डार्क भी कर सकते हैं। सोचो, यहां डार्क है तो यहां बीच में और एक डार्क होगा ना, तो ये डार्क से लेके ये वाले डार्क तक क्या मिला, 1x। फिर ये वाले डार्क तक क्या मिलेगा, 2x। फिर ये वाले डार्क तक अगला 3x कंटिन्यूटी में, और यहां पहुंचे तो ये क्या हुआ, 4x4x। मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क से लेके फिफ्थ डार्क इज नथिंग बट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, 4 × 0.4। आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, ये x है, ये इंटू का मल्टीप्लीकेशन साइन है, ये तो और पता नहीं क्या सोचने लग जाएंगे। 1.6 मिलीमीटर, इसका आंसर भी 1.6 मिलीमीटर आया। ओके, हम यस एक्चुअल में एक बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें आप छोटा मोटा पैटर्न भी बना सकते हो, बट मैं उसके फेवर में नहीं हूं कि फॉर्मूला याद रखते बैठो। फॉर्मूले बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि 4x आ गया, 5.5 आया, 0 और 6 से डिफरेंस लेके आधा कम करो, दो टू और 8 है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 1 और 5 है तो दोनों का डिफरेंस ले लो। ऐसे पैटर्न भी हैं इसके, आप याद रख सकते हो कैलकुलेशन पैटर्न्स, बट सबसे इजीएस्ट तरीका यह है कि आप सीधे पॉइंट निकालो, ठीक है ना? पॉइंट निकालो, बस डायरेक्टली डिस्टेंसेस गिनो, काम खत्म करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, थर्ड ब्राइट एंड सिक्स्थ डार्क। अब ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया इसने, तो पहले देखो थर्ड ब्राइट यहां आएगा, ये थर्ड ब्राइट होगा, लोकेशन करेक्ट है, और यहां सिक्स्थ डार्क है। अब ध्यान से देखो, यहां से शुरू करता हूं मैं, ये क्या हो गया डिस्टेंस बेटा, 1x 1x, ये क्या हुआ, 2x 2x। अब मुझे पूरा क्रॉस करके आगे जाऊंगा तो 3x है, लेकिन मैं तो 6 डार्क पे बीच में ही रुक रहा हूं, तो क्या आएगा, 2.5x 2.5x। शाबाश, तो फर्स्ट ब्राइट से लेके 6 डार्क का आंसर आ जाएगा 2.5x। नाउ द वैल्यू ऑफ x वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड, दैट इज 0.4, मल्टीप्लीकेशन करो 25 × 4, तो आंसर आ जाएगा 1 1 मिलीमीटर। करेक्ट हो गई बात? सो दिस पॉइंट मेथड इज वेरी हेल्पफुल। चलो अब देखते हैं सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में थोड़ा सा वैरायटी में यहाँ पे चेंज किया उसने, उसने बोला सिक्स्थ ब्राइट एंड सेकंड ब्राइट, दोनों ब्राइट लिए, बट द बैंड्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रल बैंड, सेंट्रल बैंड के दूसरी तरफ, ठीक है ना? तो ये सेंट्रल बैंड है, एक इधर गिनना और दूसरा इधर गिनना, ऐसे करने का है। तो पहला बैंड कौन सा है, सिक्स्थ, तो सिक्स्थ मैं पहले गिन लेता हूं, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, ये फोर्थ ब्राइट, ये फिफ्थ ब्राइट, ये सिक्स्थ ब्राइट, ये सिक्स्थ ब्राइट हुआ, सिक्स नंबर का ब्राइट। अब यहां गिनो, ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट ब्राइट ब्राइट, और ये क्या होगा, सेकंड ब्राइट सेकंड ब्राइट, ठीक है? तो ये हो गया अपना सेकंड ब्राइट, लेकिन इन दोनों बैंड्स की स्पेशलिटी ये है कि ये सेंट्रल बैंड के आइदर साइड पर हैं, एक इधर एक दूसरा उधर,
स्क्रीन पर सेंट्रल बैंड जो है उसके आइदर साइड्स बाकी बैंड्स की काउंटिंग होगी, ये मैं बार बार आपको बोलते जा रहा हूं, ठीक है, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने स्क्रीन कैसी रखी है। अब हमें ये सेकंड ब्राइट और ये वाले सिक्स्थ ब्राइट के बीच का डिस्टेंस गिनना है, तो बहुत ध्यान से देखो, हम यहां से शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट मुझे आंसर बताओ, ये क्या हो गया? 1x, ये 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x एंड यहां पहुंचे, कितना हुआ? 8x। 8x। तो काफी सिंपल था क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रल बैंड सिक्स्थ ब्राइट से लेके, एरो ऐसे बनाता हूं मैं, सेकेंड ब्राइट, बट इट इज ऑन द आइदर साइड, ये क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा हमको। और ये टोटल वैल्यू आई है 8x। नाउ x इज 0.4, तो कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 3.2 मिलीमीटर। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब इसमें पैटर्न और फॉर्मूला याद रखते बैठोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, हालांकि मैंने मॉड्यूल में दिए हैं, टेबल बना के दिया है मैंने कि भाई कैसा याद रखना है, क्या रखना है, बट आई डू नॉट रिकमेंड, आई डू नॉट एनकरेज टू रिमेंबर दोज फॉर्मूलेज। आप सीधा पॉइंट लगाओ, आंसर निकालो यार, ठीक है ना, पॉइंट लगा के आंसर निकालो, पॉइंट मेथड विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ सेवेंथ केस देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड डार्क एंड फोर्थ डार्क बैंड ऑन द आइदर साइड। तो सेकेंड डार्क पहले कहां है ढूंढो और फोर्थ डार्क कहां है फिर ढूंढो। तो ये अपना जीरो नंबर का बैंड है, ये फर्स्ट नंबर का ब्राइट, इसके बीच में फर्स्ट डार्क, तो ये वाला क्या होगा? सेकेंड डार्क। सेकेंड डार्क हो जाएगा, सो दिस इज सेकेंड डार्क। और अब दूसरा फोर्थ डार्क गिनना है, तो ये जीरो नंबर, ये फर्स्ट नंबर का ब्राइट, इन दोनों के बीच में ये क्या होगा? फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क, व्हाट दिस विल बी? सेकेंड डार्क। सेकेंड डार्क, व्हाट दिस विल बी? थर्ड डार्क। व्हाट दिस विल बी? दिस पोजीशन। फोर्थ डार्क। दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ डार्क। अब आप ये जो डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ है ना, ये डार्क से डार्क भी गिन सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ब्राइट से ब्राइट भी गिनो, आप डार्क से डार्क गिनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां से गिनना शुरू करता हूँ, ये यहां से लेकर के ये बीच में आया मैं, कितना हो गया? 1x, फिर ये 2x, ये 3x, ये 4x, और फाइनली यहां 6x, सॉरी 5x, बराबर ना? 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। सो इफ यू डू द कैलकुलेशन फॉर दिस, if you do the calculation for this, that is the distance between second dark and fourth dark on either side, ye question mein dekh ke pata chalega aur humko iska answer mil raha hai 5x, correct? Yes, second dark and fourth dark, so we may get 5x ka value humne pehle hi nikal rakha hai, that is 0.4, multiplication pura kare, answer aa jayega 2 millimeter। ab last ek question iska bach gaya, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड फोर्थ डार्क ऑन द आइदर साइड। तो एक तरफ का फोर्थ ब्राइट लेना है लेकिन दूसरी तरफ का फोर्थ डार्क लेना है, तो ये फोर्थ डार्क है, ये फोर्थ ब्राइट है, चलो गिनो, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x एंड 7.5, हाफ एक्स्ट्रा, हाफ, क्योंकि ब्राइट और डार्क के बीच में हाफ एक्स बोलना पड़ेगा, तो टोटल आंसर क्या हो गया? Yes. क्या हो गया बताएं? 7.5x। Yes. तो टोटल आंसर हो गया 7.5x. Now if you just go for the multiplication, 75 into 0.4 multiply करें, आंसर बताएं? 3. So that will become 3 millimeter. So ऐसे करके हम कितना भी random problem आए, distance between the bands से related कैसा भी question आए, बस पॉइंट लगाओ, बैंड आइडेंटिफाई करो और सीधा एक्स एक्स करके सारे डिस्टेंसेस गिन लो, आपका काम खत्म हो गया। इसे हम कहते हैं पॉइंट मेथड। ये सबको समझ आ गया बच्चों? यस सर। यस एवरीवन, बॉयज में से कुछ कमेंट करें जरा, जल्दी करें, देर होती है। यस यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं ना? बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें? नो। कोई डाउट नहीं रखना, बहुत आसान सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉपरली काउंटिंग करने आना चाहिए, बस इतना एक्सपेक्टेड है। पैटर्न याद रखें, हमेशा सेंट्रल बैंड के दोनों तरफ बैंड्स बनेंगे और उनकी काउंटिंग दोनों तरफ हमको इक्वली करनी होती है,
जीरो नंबर उसके बाद फर्स्ट नंबर का ब्राइट बैंड बनता है, और जीरो नंबर ब्राइट बैंड और फर्स्ट नंबर के ब्राइट बैंड के बीच में हमेशा फर्स्ट नंबर का डार्क बैंड आएगा। तो ये काउंटिंग कंटिन्यू करते जाएं एंड देन यू आर डन। बस एक छोटा सा कैलकुलेशन हमको पहले रेडी कर लेना होता है, और वो है फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ के लिए जो डेटा जिस तरीके से बताया गया होगा उस तरीके से हम वो नंबर्स यूज करेंगे, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, बाकी सारे डिस्टेंसेस को इन पैटर्न्स पर इस तरीके से पॉइंट मेथड लगा के गिनेंगे। ठीक हो गया? यस। यस आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी शायद बोर्ड्स में पूछा गया है। YDSE यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज सच दैट द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी इज दिस मच एंड पॉइंट क्यू इज दिस मच। फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू को इंक्लूड नहीं करना है, पी और क्यू के बीच में कितने ब्राइट और कितने डार्क बने हैं। अब यहां क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया उसने, उसने बोला इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल लाइन। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूं ताकि आपको एक हल्का सा फीलिंग आए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, हालांकि डायग्राम बनाना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन एक हल्का सा फीलिंग आए हमको कि कैसे काम हो रहा है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। अब देखो बेटा, इसका सेंट्रल बैंड बराबर यहां पे आएगा, ये मैं जीरो लगा देता हूं। हो सकता है कि जिस पॉइंट पी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहां कहीं हो, और जिस पॉइंट क्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहां कहीं हो, बिकॉज दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल बैंड, एक एक तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है। अब जब लाइट पॉइंट पी तक पहुंच रही है तो वो लाइट कुछ ऐसी ट्रेवल करेंगी रेज, तो जाहिर बात है हमको दिख रहा है कि यहां पर कुछ पाथ डिफरेंस है ना। पी और क्यू के लिए जो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस है पॉइंट पी के लिए वो कितना है, 0.0075 मिलीमीटर। क्लियर? अब उसी तरीके से लाइट की रेज जो है वो क्यू तक पहुंच रही होंगी, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो जब वो क्यू तक पहुंची तो उसके पाथ में भी डिफरेंस है। देखो S2 से क्यू ये कम डिस्टेंस है और S1 से क्यू ये ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहां पर भी पाथ में कुछ डिफरेंस आ गया। और जो क्वेश्चन हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई इनके बीच में जो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंसेस हैं वो है 0.00 दैट गोज 15 मिलीमीटर। अब हमें सबसे पहली बात तो ये ही पता नहीं है कि पॉइंट पी का नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा है, ब्राइट है या डार्क है, हमें पता ही नहीं है, है ना। और फिर उसके अलावा उसने ये पूछ लिया हमको कि पी और क्यू के बीच में कितने बैंड्स हैं, कितने ब्राइट और कितने डार्क हैं। तो पहले तो ये पता कर लें कि पॉइंट पी का नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा है। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। हम कंडीशन यूज करेंगे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई टू। याद करें, ये सिखा चुका हूं मैं आपको। इस कंडीशन में अगर हमें एन का वैल्यू इवन मिलता है तो इसका मतलब बैंड का नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा है, ब्राइट है। और अगर हमें एन का वैल्यू ऑड मिलता है तो बैंड का नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा है, डार्क है। कितने नंबर का है ये नहीं पता चलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि कितना ब्राइट है या डार्क है, कौन से नंबर का ब्राइट या डार्क वो बाद में देखेंगे। तो पहले करते हैं फॉर पॉइंट पी, पाथ डिफरेंस फॉर पी काम करते हैं। फॉर पी पाथ डिफरेंस कितना है मैडम, तो एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं 75 × 10⁻⁴। ये माइनस शिफ्ट फोर करो 1, 2, 3, 4 और mm के -3, तो सब मिला के हो गया -7। समझ आई बात? यस फिर आगे बढ़ो, n लैम्बडा का वैल्यू कितना है, 6000 × 10⁻¹⁰ एंड देन जस्ट मेक दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों जीरोस 10⁻¹⁰ -10 -7 बन जाएगा इधर से, और ये -7 कैंसिल हो गया इधर से, ये 2 कट गया और ये बन गया 3। तो n का आंसर हमको मिलता है बेटा 75 / 3 यानी के 25। ठीक है, यस सो 25 कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट। और तो इसका सीधा सा कंक्लूजन क्या मिला, पी इज डार्क बैंड।
करेक्ट है, पी इज डार्क बैंड, बट अब कितने नंबर का डार्क बैंड है हमें ये नहीं पता। मैं उसका एक हिंट आपको दे देता हूं, डोंट वरी, उसकी एक लॉजिक मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे पता करें कि वो कितने नंबर का डार्क बैंड है। पहले हम पहले ये तो देख लें कि क्यू की क्या हालत है, क्यू पे क्या हो रहा है, फॉर क्यू, क्यू का पार्ट डिफरेंस जल्दी से बताएं। 15 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेवन इक्वल ये एन इंटू ये 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। मैं वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है वही यूज कर रहा हूं बेटा, एन लैम्बडा। अब अगर कैंसिलेशन पूरे कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ये तीनों जीरो, ये 10 टू द पावर माइनस 7 बन जाएगा, ये -7 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 से 3 इधर जाके डिवाइड कर लेगा और फाइनली हमको जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा एन इज इक्वल टू 15/3 यानी के 5। डार्क तो इससे क्या पता चला, डार्क क्यू इज ऑल्सो अ डार्क बैंड, बट हमें ये नहीं पता है कि वो कितने नंबर का डार्क है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है बच्चों? yes. अब ये नोटिस करें कि पी के लिए जो पाथ डिफरेंस बन रहा है पीडी, एन तो पता चल गया ना अपने को, एन कितना आया 25, तो क्या उसे ऐसे लिखा जा सकता है 25 लैम्बडा बाई टू। ठीक है, विच मीन्स 12.5 लैम्बडा, 12.5 लैम्बडा। अब जरा गौर करो, ये पॉइंट मेथड के यहां पे समझाता हूं मैं आपको। ये पहले डार्क का क्या पार्ट डिफरेंस रहा होगा, याद करो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस में लैम्बडा बाई टू, याद करो पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, याद है? पहले डार्क का पार्ट डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस याद है, लैम्बडा बाई टू यानी कि 0.5 लैम्बडा। दूसरे डार्क का क्या है, 1.5 लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाई 2 यानी कि 1.5 लैम्बडा। तीसरे डार्क का क्या रहा होगा, 2.5 2.5। तो जब 2.5 लैम्बडा आता है तो डार्क तीसरे नंबर का बनता है। जब आगे चलेंगे और 3.5 लैम्बडा आएगा तो कितने नंबर का डार्क बनेगा, फोर्थ। 5.5 लैम्बडा के लिए सिक्स एलेवन 6th, 10.5 लैम्बडा के लिए 11। तो सोचें बेटा 12.5 लैम्बडा के लिए कितना। थर्टीन हाँ, तो पता चलता है पी इज डार्क बैंड, बट अगर करेक्टली देखा जाए तो 13th डार्क है वो। बात को समझो बेटा, यस और नो? यस अब यहां ये लॉजिक लगाएं, क्यू के लिए ये लॉजिक लगाएं। जब हम क्यू के लिए ये रेफरेंस बनाएंगे तो क्यू का पीडी कितना आया, 5 लैम्बडा 2 5 लैम्बडा बाई 2, विच एक्चुअली मीन्स 2.5 लैम्बडा। जल्दी से बताएं भाई कितने नंबर का डार्क है, थर्ड डार्क, बिल्कुल सही, शाबाश। 0.5 लैम्बडा फर्स्ट डार्क, 1.5 लैम्बडा सेकेंड डार्क, 2.5 लैम्बडा थर्ड डार्क। वो जो सीक्वेंस है ना ब्राइट और डार्क बनने का, जिसको मैंने आपको डिस्कस करवाया है इन द लेक्चर, और जिसमें हमने बात की अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे देखें आप, आपको समझ आ जाएगा फौरन। तो एनी हाउ हमें ये पता चला इन दिस सीक्वेंस कि पी इज गोइंग टू बी 13 डार्क नंबर का डार्क एंड क्यू इज गोइंग टू बी डार्क फिफ्थ नंबर का डार्क, सॉरी थर्ड नंबर का डार्क, सॉरी फॉर दैट, थर्ड नंबर। अब एक बात नोटिस करें, ये पॉइंट मेथड के यहां पे देखें, फिफ्थ डार्क से जस्ट पहले कौन था, फोर्थ लाइट फोर्थ ब्राइट, ठीक है ना। सेकेंड डार्क से जस्ट पहले कौन है, लाइट तो 13 डार्क से जस्ट पहले कौन होगा, 12th ब्राइट, बिल्कुल सही बात है। हमें पता चल रहा है कि यहां पी से जस्ट पहले 12 नंबर का ब्राइट बैंड होगा। अच्छा, क्यू का नंबर क्या है, थर्ड, थर्ड डार्क से जस्ट पहले कौन होगा, सेकेंड राइट वेरी गुड, सेकेंड ब्राइट, बहुत अच्छे। अब आप सोचें कि टोटल कितने ब्राइट बैंड हुए,
ये जीरो से यहां ऊपर कितने हुए? 12। ये जीरो से यहां नीचे कितने हुए? 2। समझे कि नहीं? क्यू जो है ये तीसरे नंबर का डार्क है, तीसरे नंबर के डार्क से पहले दूसरे नंबर का ब्राइट आता है। देखो यहां, यहां देखो, तीसरे नंबर के डार्क, ये थर्ड डार्क है ना? नहीं, ये थर्ड ब्राइट है, सॉरी फॉर दैट। कुछ गलती की क्या मैंने लिखने में? ये थर्ड ब्राइट है, ठीक। ये सेकेंड डार्क यहां कौन आएगा? थर्ड डार्क, करेक्ट है। फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, और यहां बीच में कौन आएगा? बोलें जल्दी से, थर्ड डार्क आएगा। थर्ड डार्क से पहले कौन है? सेकंड सेकेंड ब्राइट। कोई भी सीक्वेंस उठा के देखें, जितने नंबर का डार्क है उससे जस्ट पहले एक नंबर कम उतना ब्राइट होता है। ओके, तो अब जरा आप सोचें कि जीरो से लेकर के पी तक पहुंचते पहुंचते कितने ब्राइट बैंड आए? 12 ब्राइट। यहां नीचे कितने ब्राइट बैंड हुए? 2 ब्राइट। तो टोटल ब्राइट बैंड कितने हुए? 10 ब्राइट। टेन। शाबाश, अच्छे से सोच के बोलो। 14। और सोचो, और सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गए नीचे, 1 2, 2 हो गए नीचे, 14। टोटल कितने हुए? बोलो जरा जोर से, 14। और ये बीच का एक जीरो, ये भी तो काउंटिंग में है, ये भी तो ब्राइट है। तो टोटल जो ब्राइट बैंड बनेंगे वो 15 ब्राइट बैंड बनेंगे। बात को समझे बेटा? क्लियर हुई बात सबको? ये टोटल जो ब्राइट बैंड यहां पर बनने वाले हैं वो 15 ब्राइट बैंड बनेंगे। अच्छा, आप टोटल डार्क बैंड गिनो। या डार्क फ्रिंज भी बोल सकते हो आप इसको। तो हमको इन बिटवीन पी एंड क्यू गिनना है, मतलब पी और क्यू को छोड़ देना है, हमने पी और क्यू नहीं गिनेंगे। तो पी वैसे भी पता चल रहा है कितने नंबर का डार्क है? 13। 13। तो इसका मतलब पी को अगर मैं छोड़ भी दूं तो यहां पर 12 डार्क बने हैं। यहां क्यू कितने नंबर का डार्क है? थर्ड। तो अगर मैं थर्ड को छोड़ भी दूं तो यहां 2 डार्क बने हैं। तो जीरो के ऊपर कितने डार्क बने ट्वेल्व और नीचे कितने बने? दोनों मिला के कितने हो गए? 14। 14। और बीच में कोई एक्स्ट्रा नहीं है बिकॉज ये जीरो तो ब्राइट है। तो यस टोटल डार्क बैंड जो बनेंगे वो बनेंगे 14। बात समझ आ रही है? यस ओके, आई होप आप इन चीजों को प्रॉपरली गेस कर पा रहे हैं। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तेजी से ये लेक्चर कवर नहीं हो रहा है, बट फिर भी मेरा कंसर्न ये है कि आप इन चीजों को समझें। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे। गेटिंग इट राइट? यस किसी को कोई क्यूरी नहीं ना? फॉर श्योर? यस। देखें आप जल्दी बोलें, रिकॉर्डिंग में बोर होता होगा, कोई सुनेगा तो। कोई क्यूरी नहीं ना किसी को? नहीं सर। ओके, चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको नीट और खास करके जेई में देखने को मिलेंगे। नीट में भी आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, आइदर वे। अब यहां आपको पाथ डिफरेंस की कंडीशंस को अच्छे से समझना है। अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज फॉर एग्जाम्पल बच्चों के हमने दो सोर्सेस लिए, S1 और S2, ठीक है। अब इन दोनों सोर्सेस के बीच में कुछ भी गैप हमने यहां पे रखा, द गैप इज डी। डी कैन बी एनीथिंग, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, डी कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस के हिसाब से, 1 mm 2 mm 5 mm, और कई बार उसको लैम्बडा के फॉर्मेट में बताया जाता है। अब इसके सामने हमने स्क्रीन रखी, ठीक है। लेट्स से कि ये स्क्रीन जो है इतनी बड़ी है कि ये माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक रन करती है। दिस इज हाउ द सिचुएशन इज।
ओके अब इसका पैटर्न समझें, जब हम एग्जैक्टली सेंटर पे आएंगे, एग्जैक्टली सेंटर, तो यहां पाथ डिफरेंस हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये यहां से निकलने वाली लाइट रे ऐसी और यहां से भी निकलने वाली लाइट रे ऐसी, सेंटर में दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे। अगर पहले से इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो यहां पर आने पर पाथ डिफरेंस हो जाएगा जीरो। आई बात समझ में बच्चों? यस, बात समझ आ गई? यस। आप लोग आज जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या समझ नहीं आ रहा? देखिए यहां से लाइट निकलेगी ऐसे, ये S2 से भी लाइट निकलेगी ऐसे, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेंगे ना सेंटर में, तो पाथ डिफरेंस तो जीरो बनेगा। यस। आप सोचे ऐसे ही जैसे हम आगे बढ़ते गए, लाइक कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लो मैं यहां लेता हूं, तो मैं ऐसे आगे बढ़ते गए। अब अगर मुझे इसमें पाथ डिफरेंस निकालना है ना, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर क्लेम कर लूंगा, तो क्या यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? देखो ध्यान से, क्योंकि जब मैं इस पे परपेंडिकुलर बनाता हूं तो यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा। सो लेट्स से कि एक एंगल मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया थीटा, हालांकि मैं ये आपको इससे पहले समझा चुका हूं, तो ये चीज हो गई हमारी पाथ डिफरेंस, और ज्योमेट्रिकली जब इसे चेक किया जाएगा तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। करेक्ट है? यस। ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो वो पार्ट डिफरेंस हो गया कितना, डी साइन थीटा। अब मैं आपसे ये लॉजिकली थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर देके चाह रहा हूं कि आप इस पे सोचें कि अगर ये पॉइंट ऐसे ही ऊपर 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 शिफ्ट होता गया और हम लोग कहां पहुंचे, इन्फिनिटी। देखिए वीडियो में, वीडियो में जरा नजर डालें, ये ऐसे ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ये तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब हम इन्फिनिटी में पहुंचेंगे तो इतनी दूर के ये ऑलमोस्ट दोनों सीधे ही हो जाएंगे ना। Yes. अगर ये दोनों बिल्कुल सीधे हो गए तो ये थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा। Yes. और थीटा अगर 90 हो गया तो साइन 91 हो गया, मतलब पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, डी। यानी कि इस तरीके के अरेंजमेंट में इन्फिनिटी पर हमें जो भी पाथ डिफरेंस मिलेगा वो मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी डी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। और एग्जैक्टली नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी यही होगा, यहाँ पे हमको जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम और उसका वैल्यू हो जाएगा डी, विच मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पाथ डिफरेंस हमको मिल सकता है वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, इससे ज्यादा पाथ डिफरेंस हमको मिल ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? अब बच्चों अगर हमने इस अरेंजमेंट को कुछ ऐसे किया, एस वन एस टू और ये स्क्रीन मैंने सामने लगाई, ये मैं आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये फंडा अगर आपको ठीक से नहीं आया ना तो आपका चैप्टर वीक रह जाएगा। अब मानो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो डी है, मैं फिर बता दूं ये डी कुछ भी हो सकता है, ये लैम्बडास के फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे ऐसे बोला जा सकता है कि एस वन से एस टू का गैप इज इक्वल टू 5 लैम्बडा, ऐसे बोला जा सकता है। अब बच्चों सोचो कि हम बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं यहां, यकीन माने जब हम एग्जैक्टली सेंटर में होंगे ना तो इस अरेंजमेंट में हमें पाथ डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा और वो होगा इक्वल टू डी। अब मैं चाहता हूं आप सोचें इस पर ऐसा कैसे होगा, तो सोचें एस टू से निकलने वाली रे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, करेक्ट है, और एस वन से निकलने वाली रे ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जिसमें डी इतना पोर्शन उसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा कंपेरेटिव टू एस टू। सोचें, लेट मी ड्रॉ डायग्राम, एस टू से निकलने वाली रे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जबकि एस वन से निकलने वाली रे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इन दोनों के पाथ में जो फर्क है वो क्या है, डी ही है, तो हमें सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। yes. अब मान लो बेटा हमने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट पी ले लिया जिस पर लाइट की रेस पहुंच रही है, ये ऐसे यहां से और ये यहां से ऐसे, तो हम इसे फौरन ही सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर निकाल देंगे ऐसे, तो क्या ये एक्स्ट्रा पाथ हो गया इसमें,
क्योंकि इन दोनों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ पी सेम होगा, एक्स्ट्रा तो यही है। और फर्दर मोर अगर हम ये क्लेम करेंगे यहां पर एक एंगल थीटा बन रहा है, तो ये चीज बेटा हो गई हमारी पार्ट डिफरेंस, और ये पार्ट डिफरेंस इस सिचुएशन में लिखा जा सकता है डी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, फिर भी मैं और वक्त दे रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ इफ वी से दैट के ये पॉइंट पी जो है ना शिफ्ट होते 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 प्लस इंफिनिटी तक पहुंचेगा, जस्ट इमेजिन करो, तो क्या वो दोनों लाइट की रेज ऑलमोस्ट सीधी हो जाएंगी? देखो वीडियो में देखो, ऐसे 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 ऑलमोस्ट सीधी हो जाएंगी। यस और अगर वो ऑलमोस्ट सीधी हो गई तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90। ये लाइट रे सीधी इमेजिन करो ऐसी, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90। कॉस 90 कितना हो गया? जीरो जीरो। मतलब पता ये चला कि इन्फिनिटी पर पहुंचते पहुंचते पाथ डिफरेंस हो जाएगा जीरो, जो कि मिनिमम होगा। और एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन आपको दूसरी इन्फिनिटी पर भी एक्सपेक्टेड है, सेकंड यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी आप देखेंगे कि पाथ डिफरेंस हो जाएगा जीरो। अब इन दोनों पैटर्न्स को अच्छे से दिमाग में बिठाएं। इस पैटर्न में या इस तरीके के सोर्स अरेंजमेंट में मुझे सेंटर पर पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा है, जीरो जबकि इन्फिनिटी पर कितना मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव? बी मैक्सिमम, एंड विच विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। और अगर मैं ऐसे अरेंजमेंट करता हूं तो इस पैटर्न में मुझे सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर पार्ट डिफरेंस कितना मिल रहा है? मैम मैक्सिमम, विच विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। और जब हम इन्फिनिटी पर पहुंचते हैं तो दोनों रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई, एंगल 90 हो गया, दोनों का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा जीरो, विच विल बी द मिनिमम पार्ट डिफरेंस। वेल, द इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट इट इज दैट कि चाहे मैं ऐसे अरेंज करूं या ऐसे अरेंज करूं, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस मुझे कितना मिल सकता है? सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस यस, सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस, वेरी गुड। दोनों सोर्सेस के बीच में जितना सेपरेशन है वही हमारे लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ पाथ डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा पार्ट डिफरेंस किसी भी तरीके के अरेंजमेंट में बनेगा ही नहीं। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठाएं। अब देखें इस करंट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि दो सोर्सेस हैं जिनकी वेवलेंथ लैम्बडा है और इनके बीच का सेपरेशन 3 लैम्बडा है। फिर स्क्रीन रन करती है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब फिर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 3 लैम्बडा का सेपरेशन है तो कितने हमको मिनिमा यानी कि डार्क बैंड्स मिलेंगे? कितने मिनिमा यानी कि क्या, डार्क पेंस कितने डार्क बैंड्स मिलेंगे? तो एक सिंगल सी स्टेटमेंट आप मुझे बताएं, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ज्यादा से लैम्बडा ज्यादा, क्योंकि हमें पता नहीं अब ऐसे अरेंज करा या ऐसे अरेंज करा, जो जैसे भी अरेंज कराओ, लेकिन मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना मिल सकता है? 3 लैम्बडा 3 लैम्बडा। अब गौर करें, ये पार्ट डिफरेंस का सीक्वेंस अगर मैं लिखूं, जीरो फिर लैम्बडा फिर 2 लैम्बडा फिर 3 लैम्बडा, फिर दूसरी तरफ भी ऐसा होगा, लैम्बडा 2 लैम्बडा फिर 3 लैम्बडा। अगर मैंने ऐसा अरेंज करा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जीरो सेंटर पे मिलेगा, इधर वाली माइनस इन्फिनिटी पर मुझे 3 लैम्बडा मिलेगा और उधर वाली प्लस इन्फिनिटी पर मुझे 3 लैम्बडा मिलेगा। तो इसको देख करके बताएं कि कितने ब्राइट बैंड मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और बीच का एक 7, तो टोटल मैक्सिमा ब्राइट बैंड कितने मिलेंगे? 7। डार्क लेकिन इसने हमसे ब्राइट नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा, डार्क पूछा। अब बच्चों लॉजिकल है, दो ब्राइट बैंड के बीच में क्या बनता है, जहां पर एक्सपेक्टेड पाथ डिफरेंस ऐसे होते हैं, लैम्बडा बाई टू, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। देखें गौर करें, जीरो और लैम्बडा के बीच में आधा लैम्बडा, लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच में 1.5 लैम्बडा, 2 लैम्बडा और 3 लैम्बडा के बीच में 2.5 लैम्बडा, इन पर हमें क्या मिलेगा, डार्क डार्क। तो क्या इस दूसरे पोर्शन में भी हमको वैसे ही देखने को मिलेगा, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, तो फौरन ही गिनकर बताएं कितने डार्क बैंड मिले, सिक्स 6। आंसर हो गया हमारा, हालांकि मैंने इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज इट इज अ मस्ट आर्टिकल, मस्ट पॉइंट टू कंसिडर, मस्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझना जरूरी है इसको। क्लियर हो गई बच्चों बात? यस सर
आइए एक और देखते हैं, देखें अब आप कितनी चालाकी से इसका आंसर करते हैं। परफेक्टली करना है आपने। YDSE परफॉर्म हुआ, अलग अलग पाथ डिफरेंसेस हमें बताए गए हैं, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इतने हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड्स कितने हैं। तो चलो केस ए पहले सॉल्व करते हैं। केस ए का मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्ब्डा। 3 लैम्बडा। तो क्या सीक्वेंस ऐसा बनेगा, 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, दूसरी तरफ लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, इनके बीच में लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, करेक्ट जा रहे हैं, फाइव लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। तो बताओ कितने बैंड्स बने? 7 बाइट, 7 ब्राइट 6 डार्क। एंड 6 डार्क। खत्म, डन, फिनिश, नो इश्यूज। अब आगे आते हैं, केस बी पर आते हैं, सिचुएशन बी पर आते हैं। मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना बताया इसने? 2.7 लैम्ब्डा। 2.7। अब 2.7 पर तो कुछ भी नहीं होता है, आओ फिर भी समझते हैं कि कैसे होगा मामला। तो पहले तो हो गया 0, फिर हुआ लैम्बडा, फिर हुआ 2 लैम्बडा, और चलो हम यहां लिख देते हैं 2.7 लैम्बडा। हालांकि 2.7 लैम्बडा पे कुछ नहीं बनता, ठीक है ना, परफेक्टली ब्राइट और डार्क दोनों में से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने बोला है तो हम लिखते हैं, चलो 2.7 लैम्बडा। अब बेटा बात बताओ कि ये 0 लैम्बडा के बीच में क्या आएगा, लैम्बडा बाई टू, लैम्ब्डा लैम्बडा 2 लैम्बडा के बीच में क्या आएगा, लैम्ब्डा 2 लैम्बडा और 2.7 लैम्बडा के बीच में एक और आ सकता है, और वो है 5 लैम्बडा बाई 2। 2.5 लैम्बडा बनेगा, 2.5 होने के बाद ही 2.7 तक वो पहुंच सकता है, मतलब 2.5 की पॉसिबिलिटी है। समझे नहीं समझे बेटा? यस। अब होगा ये कि ये जो लास्ट बैंड है ये किसी काम का नहीं है, इतना पार्ट डिफरेंस तो बन रहा है लेकिन वहां पर एग्जैक्टली कुछ नहीं बनेगा, परफेक्टली ब्राइट या डार्क का वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता, वो एक इन बिटवीन सिचुएशन होगी। जो 100% पॉसिबल है वो क्या क्या है? 2.7 लैम्बडा तक हम जा रहे हैं, इसका मतलब श्योरली हमने 2.5 लैम्बडा क्रॉस करने क्रॉस, के बाद ही हम 2.7 तक पहुंचे होंगे। तो आप देख कर बताओ कितने ब्राइट कितने डार्क। फाइव ब्राइट 6 डार्क। वेरी गुड, शाबाश, इस सिचुएशन में हो गए 5 ब्राइट एंड 6 डार्क, बिकॉज 2.7 लैम्बडा विल नॉट गिव अस एन एग्जैक्ट आंसर ऑफ परफेक्ट ब्राइट और परफेक्ट डार्क, बट ये इतनी श्योरिटी करता है कि 2.7 तक आना मतलब 2.5 पहले बना है, 100% बना है, तभी तो हम 2.7 तक पहुंचे। अब आते हैं केस सी पे। केस सी पे पार्ट डिफरेंस कितना दिया है इसने? 2.3 लैम्ब्डा। अब तुम बताओ सीक्वेंस, चलो शुरू करो, क्या होगा पहले, 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा और उसके बाद 2.3 लैम्ब्डा। 3 लैम्बडा। हालांकि वो कुछ काम का नहीं है लेकिन मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। अब डार्क के लिए बताओ, लैम्ब्डा लैम्बडा बाई बाई टू 2, थ्री लैम्ब्डा बाई टू दैट्स इट। क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि इसके बाद अगर मैं और आगे जाना चाहता हूं तो एक्सपेक्टेड क्या है, 5 बाई 2। 5 बाई 2 का मतलब क्या है, 2.5। 2.5, और 2.5 तक हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कहां एंड हो रहा है, 2.3। 2.3। हालांकि ये 2.3 काउंटिंग में कोई बैंड नहीं बनाएगा लेकिन हम इस बात से कंफर्म होंगे कि हम इसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब 2.5 लैम्बडा यहां पर पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखकर बताओ कितने ब्राइट, फाइव। देखकर बताओ ध्यान से, 5। कैसे 4 डार्क। 5 ब्राइट, 1 2 3 4 5, और डार्क कितने, 4। 4 डार्क। आई होप आपको ये चीजें फटाफट समझ आ रही है। अब आते हैं 5.8 लैम्बडा पे, लास्ट 5.8 लैम्बडा। अब तुम ही बताओ 5.8 लैम्बडा कैसे करें, तेजी से बताओ। जीरो लैम्ब्डा यस,
चलिए जरा तेजी से करते हैं। तो ये होगा 0, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा, और लास्ट में ये 5.8 लैम्डा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, और लास्ट में ये 5.8 लैम्डा। हालांकि हमें याद रखना चाहिए 5.8 लैम्डा दोनों साइड में कोई बैंड के कंफर्मेशन को नहीं होगा। डार्क के लिए लिखते हैं, पहले आया लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा फाइव बाई टू, सेवन लैम्डा लैम्डा बाई टू, नाइन नाइन लैम्डा बाई टू, लैम्डा 11 लैम्डा बाई टू भी होगा, क्योंकि 11 लैम्डा बाई टू का मतलब 5.5, पर हमको एलेवन कहां तक अलाउड है? 5.8 5.8। तो 5.5 तक तो जाना तय है, वहां तक जाएंगे हम पार्ट डिफरेंस में। इधर आगे बढ़ते हैं, 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाई टू, लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाई टू, 2 लैम्डा 3 लैम्डा के बीच में 5 लैम्डा बाई टू, 7 लैम्डा बाई टू, 9 लैम्डा बाई टू, और ये यहां मैं लिख देता हूं 11 लैम्डा बाई टू। तो फटाफट बताएं कितने ब्राइट, 0, 11 1, 2, 3, 4, 5, और इधर गिने 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने ब्राइट हुए? 11 ब्राइट। एंड कितने डार्क? 12 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो टोटल हो गए 12 डार्क। तो ये ऐसे पैटर्न पे हमें काम करना है। इसमें मोर और लेस हमको सीक्वेंस याद रखना पड़ता है कि ब्राइट और डार्क बैंड्स का पाथ डिफरेंस कंडीशंस क्या है। अगर हम वो सीक्वेंस अच्छे से दिमाग में बिठा लें तो हम फौरन ही इस चीज को आंसर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? यस यस। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से करेंगे इसे। मैं काफी सारे क्वेश्चन सोच के बैठा था कि भाई 10-15 क्वेश्चन आराम से करने, बट काफी स्लो हो गया लेक्चर। बट जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं, और समझे बिना हाँ आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो समझना मस्ट है यहाँ पर। हाँ देखिए क्या बताया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न इज 7 mm, सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस ये स्मॉल डी है, स्क्रीन एंड सोर्स कैपिटल डी है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि लैम्डा क्या है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे पॉइंट मेथड लगा देता हूं, ये पॉइंट लगा दिए मैंने, ठीक है। हालांकि अगर मैं इसमें परफेक्ट हो जाता हूं तो मुझे पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं ओरली कर सकता हूं। चलिए ये बैंड मेरे लिए है 0 नंबर का ब्राइट, हमें डिस्टेंस गिनना है फर्स्ट मैक्सिमा और फिफ्थ मिनिमा। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट नंबर का ब्राइट, फर्स्ट मैक्सिमा मतलब फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके बाद फिफ्थ मिनिमा। तो गिने, ये पहला डार्क, ये दूसरा डार्क, ये तीसरा डार्क, ये चौथा डार्क, और ये पांचवा डार्क। तो यहां पर मुझे मिलेगा यहां 5 नंबर का डार्क, फिफ्थ मिनिमा। मैं फिर एक बार कंफर्म कर लूं, 1, ये 2, ये दोनों के बीच में 3, इधर दोनों के बीच में 4, और इधर हो गया 5। अब बेटा आपको ये डिस्टेंस गिनना है, ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस गिनना है। क्या आप बता सकते हैं ये कितना होगा? 1x, 2x, 3x और आधा, कितना हुआ? 3.5 3.5x। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू में इतना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3.5x इज इक्वल टू 7 इन mm, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x क्या हुआ, 7/3.5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 mm। क्लियर? अब हमसे वेवलेंथ पूछा है तो हम सीधे सीधे x का फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। एक्स है 2 mm में कन्वर्जन किया, यानी कि 10^-3, ये हमने लैम्डा निकालना है, इंटू कैपिटल डी हमको गिवन है 50 × 10^-2 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, और स्मॉल डी मैं लिख सकता हूं 15 × 10^-5। जरा सोचो स्मॉल डी मैंने -5 क्यों लिखा,
मैंने पॉइंट 15 को पहले 15 किया तो 10 टू द पावर माइनस 2 हुआ, मिलीमीटर को मीटर किया तो 10 टू द पावर माइनस 3 हुआ, माइनस 2 माइनस 3 दोनों मिला के हो गया माइनस 5। क्लियर हो गई बात? ये 15 इंटू 2 इधर किया तो 30 हो गया, सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी 30। फटाफट कर लें, 30 इंटू ये माइनस 5 माइनस 3 मिला के कितना हो गया माइनस 8। ये माइनस 2 पहले डिनोमिनेटर में जाएगा फिर न्यूमरेटर में जाएगा तो ओवरऑल ये हो गया माइनस 6। माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू, यहां दूसरे साइड बच गया 50 लैम्बडा, तो पता चला लैम्बडा इज इक्वल टू 3 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 3 बाई 5 कितना है भाई? 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। अब आप सोचें बेटा अगर मैं माइनस 9 हटा दूं तो वो क्या बनेगा? नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन गया, क्यों जरा सोचो, क्योंकि हमने पॉइंट मेथड से फौरन ही एक्स निकाला। एक्स निकालने के बाद ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको करना पड़ा, लेकिन पहले एक्स निकालना अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जो पॉइंट मेथड हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया वो बिल्कुल ही हमें सिंप्लीफाइड तरीके से एक्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आ रहा है बेटा बात समझ में? ओके एक और क्वेश्चन करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर होपफुली अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये बताया कि है वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट है, 5890 एंगस्ट्रॉम उसका वेवलेंथ है, चेंज इन वेवलेंथ सच दैट द फ्रिंज विड्थ कैन बी इंक्रीज्ड बाय 10%। तो बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देख लें, x इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब यहां पर हम सिर्फ वेवलेंथ को चेंज करने वाले हैं, मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी कैसे रहने वाएंगे? कॉन्स्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड सोर्स कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज इज कॉन्स्टेंट। तो ये देखते ही मुझे पता चलता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ डेल्टा x बाय x इन परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इन परसेंटेज, दैट्स इट, फिनिश। सही है? आपको फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज करवाना है? 10%। सो ये हो गया 10/100, परसेंटेज हटा दें तो 10/100 इक्वल, आपको यहां वेवलेंथ में चेंज कराना है, दैट बिकम्स डेल्टा लैम्बडा, करेक्ट है ना, अपॉन ओरिजिनल लैम्बडा कितना है 5890 कट गया, डेल्टा लैम्बडा का आंसर मिला 589 एंगस्ट्रॉम, और एक्चुअली देखा जाए तो ये भी 10% ही है। 5890 का 10% तो 589 ही होगा ना, yes. अगर देखा जाए तो। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके सो दैट वे वी ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन। एनी हाउ इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने के लिए बिल्कुल एक आसान सा तरीका यह है कि जितने परसेंट से हमको फ्रिंज विड्थ चेंज करनी है उतने ही परसेंट हमको वेवलेंथ में चेंज लाना है, ठीक है? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, इसके आगे के न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में देखेंगे।